नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, यानी कि कल से आपका 14 जुलाई से आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो हमने एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में कल हमने आपको सारे शिफ्टों का एनआईसी से जो कि आपको प्रोवाइड करवाया था। तो अब तक आपको मालूम चल गया होगा कि आपका जो सीजीएल का एग्ज़ाम में आपका किस किस टॉपिक से आपका ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो लगा कि आज का जो मेन टॉपिक है, जो कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपका 2 से 3 प्रश्न आपको देखे गए हैं, वो आपके फेमस आर्टिस्ट यानी कई कलाकार से देखे गए हैं, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट वीडियो है, हमने आपके कलाकार के ऊपर ही लाने का प्रयास किया था, जो कि चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप पीडीएफ को देख लीजिए, बाकी पीडीएफ दोस्तों आप लोग बाय कर लीजिए 25 रुपया देकर, ठीक है। मेरा ये नहीं है, 20-25 रुपया कमाकर हम ज़्यादा अमीर नहीं बन जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिस चीज़ में हम मेहनत करेंगे उसका शुल्क आपसे ज़रूर लेंगे, लेकिन इसका जो पीडीएफ है आप लोग ले लीजिए, आराम से पढ़िएगा। बाकी और भी आपका टॉपिक्स वाइज जो वीडियो है वो आपका लगातार आता रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज का जो हमारा जो पहला है वो दोस्तों आपका कलाकार और संबंधित क्षेत्र है, वो है आपका जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन जी की बात करते हैं तो जाकिर हुसैन आपके कहाँ से संबंधित हैं? तो संबंधित जो इनका क्षेत्र है, ये तो पहले आपका तबला वादक है। क्या बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं, ठीक है। इनके अलावा अगर जगह का नाम पूछ दिया जाए, इसे तो पूछा नहीं जाता है, अगर पूछ दिया जाए तो मुंबई इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। इसके अलावा जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो ये आपका कौन थे? तो अल्लाह रखा खां के बेटे थे, ठीक है। अल्लाह रखा कौन थे? तो अल्लाह रखा खां भी एक तबला वादक ही थे, ठीक है। बस इतना फैक्ट्स को याद रखिएगा, ज़्यादा फैक्ट्स आपको नहीं देंगे, नहीं तो आप लोग उसको याद रखने के चक्कर में ये भी भूल जाइएगा कि किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपका अल्लाह रखा खां जो कि आपका हो गया है, तबला वादक जी हैं। एक है आपका शंभू महाराज जी। शंभू महाराज जी कहाँ से संबंधित है? तो कत्थक है। कत्थक एक आपका शास्त्रीय नृत्य, आपको मालूम होगा। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो लखनऊ का है। तो शंभू महाराज जी कहाँ से संबंधित होंगे? तो लखनऊ से ही होंगे, ठीक है। तो शंभू महाराज आपका कत्थक से संबंधित है। लच्छू महाराज कहाँ संबंधित है? ये भी कत्थक से है। बिरजू महाराज कहाँ संबंधित है? ये भी आपका कत्थक से है। कत्थक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा अगला है पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है। तो पंडित जो भीमसेन जोशी हैं वो दोस्तों आपका गायक है, ठीक है। अगर क्षेत्र पूछ दिया जाए तो कर्नाटक है, ठीक है। इसके अलावा भीमसेन जोशी के संबंध में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हुआ है कि भीमसेन जोशी का संबंध आपके ये पूछा जाएगा कि किस घराने से है, तो ये आपका किराना घराना हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत रत्न पाने वाले केमे कलाकार हैं, तो छठवें कलाकार हैं और इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 2008 ईस्वी में, ठीक है। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रसिद्ध संगीत भीमसेन जोशी का है, लता मंगेशकर और बाला मुरली कृष्णा के द्वारा ही गाया गया है। आप लोग ये सॉन्ग सुने होंगे, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स हेमा मालिनी। वही हेमा मालिनी, ठीक है, एक्ट्रेस हैं, जो कि इनका जो संबंध है भरतनाट्यम नृत्य से है, तो इसका राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। ये भरतनाट्यम जो नृत्य है ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स को तो जरूर बताएंगे आपको। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु ही है, ठीक है। इसके अलावा हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल भी कहा जाता है। ये देखिए एसएससी 2015 में पूछा जा चुका है कि ड्रीम गर्ल के नाम से कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति संबंधित है, तो हेमा मालिनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हेमा मालिनी भरतनाट्यम से संबंधित है, ड्रीम गर्ल के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला है आपका एंजली एला मेनन, ठीक है। एंजली एला मेनन ये दोस्तों आपका कौन है? तो ये आपका चित्रकारी है, ठीक है। कौन है? तो चित्रकार है, पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है और इनके द्वारा बनाई गई यात्रा पेंटिंग को 2006 में एशियन आर्ट म्यूजियम सैन फ्रांसिस्को में जगह मिली थी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी के द्वारा भी पूछा जा चुका है, आरआरबी के द्वारा भी पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो का तो नाम तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे, कहानी में भी सुने होंगे। तो पाब्लो जो पिकासो है उनका संबंध आपका चित्रकारी से है और इनका जो संबंध है वो आपका स्पेन से है, ठीक है। तो पाब्लो पिकासो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकारी, ठीक है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी और आरआरबी में पूछा जा चुका है। पाब्लो पिकासो स्पेन देश के थे, इनको घनवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है,
गहनवाद से तात्पर्य है एक कला आंदोलन से है जिसमें अपने चित्रों के द्वारा विचारों को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जामनी रॉय। जामनी रॉय का भी संबंध आपका चित्रकारी से ही है और ये भी आपका पश्चिम बंगाल से ही संबंधित व्यक्ति हैं। जामनी रॉय की बात करेंगे तो जामनी रॉय अवीन्द्रनाथ टैगोर, अवीन्द्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे, अवीन्द्रनाथ रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। ठीक है, इसको भी रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अवीन्द्रनाथ ठाकुर। तो अवीन्द्रनाथ ठाकुर कौन है, इनका जब आपका बेट इनका जो शिष्य है वो आपका चित्रकारी से है तो अवीन्द्रनाथ टैगोर भी ऑब्वियसली आपके चित्रकारी से ही संबंधित आपके राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रसिद्ध पेंटिंग भारत माता इनके द्वारा 1905 में ही बनाई गई थी जिसे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत लोग प्रभावित भी हुए थे। ठीक है, अगला है गगेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो गगेंद्रनाथ टैगोर भी दोस्तों क्या है, तो ये भी आपके एक चित्रकार ही हैं, ये आपके अवीन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। इसके अलावा गगेंद्रनाथ टैगोर और अवीन्द्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विंसेंट वैन गो। ठीक है, विंसेंट वैन गो इनका भी संबंध किससे है, तो चित्रकारी से ही है। और आपका इनका जो संबंध अगर देश पूछ दिया जाए तो दोस्तों आपका नीदरलैंड हो जाए, नीदरलैंड आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इनको जीवन भर सम्मान नहीं मिला, इससे वो डिप्रेस हो गए। 36 वर्ष की उम्र में इन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन बाद में दुनिया को इनकी चित्रकारी का अनुभव हुआ, उस समय इनकी सबसे महंगी पेंटिंग में से कई पेंटिंग बिकी थी। ठीक है, अगला है आपका लियोनार्डी विंची। ठीक है, लियोनार्डी विंची इनका जो संबंध है दोस्तों आपका चित्रकारी से है। ठीक है, किससे है, चित्रकारी से है। ठीक है, इनका जन्म आपका इटली में हुआ था, आज तक के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक माने जाते हैं। इनके द्वारा सबसे प्रसिद्ध जो पेंटिंग है मोनालिसा द्वारा मोनालिसा बनाई गई थी, द लास्ट सपर पेंटिंग भी इनके द्वारा ही बनाई गई है, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके हैं अमृता शेरगिल। ठीक है, अमृता शेरगिल इनका भी संबंध किससे है, तो ये भी आपका चित्रकारी है। ठीक है, इनका जन्म की बात करेंगे तो हंगरी में हुआ था। इनके प्रसिद्ध पेंटिंग में यंग गर्ल 2019 और थ्री गर्ल्स है। इनका भारत की परंपरा से बहुत गहरा जुड़ाव रहा है जिसकी वजह से इन्होंने भारत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में काफ़ी समय बिताया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इनको 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की सूची में शामिल किया गया था। 28 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ली कार्विजियर। ठीक है, ली कार्विजियर कौन है, तो ली कार्विजियर दोस्तों आपके कौन है, ये भी आपके वास्तुकार है। ठीक है, ये फ्रांस के रहने वाले थे। ली कार्विजियर के द्वारा चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके रुक्मणी देवी अनुडले। ठीक है, तो रुक्मणी देवी अनुडले की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है भरतनाट्यम से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करेंगे तो ये आपका बांसुरी वादक है। कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, उत्तर प्रदेश राज्य इनका संबंध है। सोनल मानसिंह की बात करेंगे तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, मुंबई से इनका संबंध है। ठीक है, देखिए हम ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं लिए हैं कि आपको बता दें कि भरतनाट्यम से ये व्यक्ति संबंधित है, वो व्यक्ति संबंधित है, जिससे कि आपको जो इंपॉर्टेंट है वो भी आप भूल जाइए। ठीक है, तो वही लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत लीजिएगा, अगले बार जो एग्जाम आप देने जाइएगा, आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आप लोग जरूर यहाँ से प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला है इनका जन्म कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। सभी नृत्यों के बारे में इनको जानकारी थी लेकिन उड़ीसा में ये परंपरागत थी। वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, कौन, सोनल मान सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एन राजम। एन राजम कौन है, एन राजम आपका कौन है, तो ये दोस्तों आपके कौन है, तो तमिलनाडु से संबंधित है, वायलिन। ठीक है, वायलिन वादक हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन खां की बात करेंगे तो ये आपके सरोद वादक हैं। क्यों, यह है सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं अलाउद्दीन खां। इसके अलावा पन्ना लाल घोष, पंडित रविशंकर, अकबर अली खां सभी के गुरु थे। अलाउद्दीन खां अकबर अली के पिता थे। ठीक है, तो पंडित रविशंकर भी सरोद बजाते हैं, अली अकबर खां भी सरोद बजाते हैं, पन्ना लाल घोष भी आपके सरोद ही बजाते हैं। अगला है अली अकबर खां, ये आपका सरोद हो गया है। बिरजू महाराज उत्तर प्रदेश संबंधित थे, कथक से संबंधित थे, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अब शायद आपका नहीं पूछा जाएगा। टी आर महालिंगम की बात करेंगे तो टी आर महालिंगम की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये दोस्तों आपका कौन है, ये अभिनेता है, अभिनेता के साथ साथ गायक भी हैं। उमा शर्मा की बात करेंगे तो कथक से संबंधित ये आपके कलाकार हैं। और राजस्थान की बात करेंगे तो आपके राज्य से राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा शिव कुमार वर्मा की बात करेंगे तो ये आपके संतूर वादक हैं। ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, ये आपका पूछा जाएगा। संबंधित देश की बात करेंगे यानी कि राज्य की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। ठीक है,
इसके अलावा संतूर की बात करेंगे तो ये आपका कश्मीरी वाद्य यंत्र है। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करेंगे तो ये क्या है, शहनाई वादक हैं और इनका जो संबंध है आपका भारत के राज्य बिहार से है। इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था 2021 में किसी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, ठीक है, और तानसेन सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और ये तीसरे संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1947 में लाल किला में झंडा फहराते समय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के द्वारा ही शहनाई वादन किया गया था, जो बाद में एक प्रथा बन गई थी। तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा की बात करेंगे तो ये आपका केरला से संबंधित है। ये है कौन, तो ये आपका चित्रकार है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, केरल में हुआ। इनके नाम पर राष्ट्र का केरल राष्ट्र सरकार के द्वारा राजा रवि वर्मा अवार्ड दिया जाता है। लॉर्ड कर्जन ने केसर हिंद गोल्ड मेडल इनको दिया था। प्रसिद्ध पेंटिंग हंस दमयंती राजा रवि वर्मा के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका उस्ताद अमजद अली खां। उस्ताद अमजद अली खां की बात करेंगे तो ये भी आपका एक सरोद वादक है, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। पन्ना लाल घोष ये भी आपका वाष्ट्रीय वादक है। पंडित रविशंकर ये दोस्तों आपके सितार वादक है, ठीक है। पंडित रविशंकर क्या है, तो ये दोस्तों आपके एक सितार वादक है, ठीक है। ऊपर में शायद दोस्तों आपका ये गलत हो गया था तो उसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, सुधार दीजिएगा, ठीक है। ऊपर में कहीं हमने गलत बता दिया था पंडित रविशंकर के बारे में कि दोस्तों आपके शायद सरोद हैं, तो नहीं, पंडित रविशंकर क्या है, तो ये दोस्तों आपके सितार वादक है, ठीक है, इसको भी सुधार कर लीजिएगा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में दिया गया था। बताइए ये क्या आपके 14 जुलाई के शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, पूछा गया था, ठीक है। अगला है उमा शंकर। उमा शंकर की बात करेंगे तो ये भी आपके कौन है, सितार वादक हैं। बेगम अख्तर की बात करेंगे तो ये क्या है, संगीतकार हैं। फैजा उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। इसके अलावा एम एस शोभा लक्ष्मी की बात करेंगे तो ये आपका तमिलनाडु से संबंधित हैं और ये भी क्या है, तो ये एक गायक हैं। इसके अलावा भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले संगीतकार थे एम एस शोभा लक्ष्मी, जिनको 1998 में भारत रत्न रत्न अवार्ड दिया गया था। यूनाइटेड नेशन में संगीत कार्यक्रम करने वाली ये पहली महिला थी। ये पहली महिला थी जिनको कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, तो संगीत कला निधि सम्मान दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इनको संगीत की रानी कहकर संबोधित किया था और लता मंगेशकर ने इनको तपस्वनी कहा था, ठीक है, किसको, एम एस शोभा लक्ष्मी को। नेक्स्ट है आपका एम एफ हुसैन, ठीक है। एम एफ हुसैन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके कौन है, तो चित्रकारी से इनका संबंध है। इसके अलावा इनका जन्म आपका महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। इनको महाराष्ट्र का पिकासो भी कहा जाता है। इनके द्वारा बनाए गए विवादित पेंटिंग भारत माता के कारण इनको भारत छोड़ना पड़ा था। अगला है यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है आपका भरतनाट्यम से भी है, कुचिपुड़ी से भी है। भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य दोनों में असमर्थ थी, लेकिन इनको प्रसिद्ध भरतनाट्यम से मिली थी प्रसिद्धि। इनके द्वारा एक आत्मकथा भी लिखी गई है, ए पैशन फॉर डांस, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी के द्वारा ही लिखा गया है। अगला है पंडित जसराज। पंडित दशराज की बात करेंगे तो ये आपके क्या है, संगीतकार हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो हरियाणा के हिसार में हुआ है। इनका संबंध मेवाती घराने से है। इसके अलावा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 एक प्लांट VP 32 नाम का पंडित दशराज के नाम पर ही रखा था। अगला है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे का संबंध क्या है, तो फिल्म निर्माता से है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है और कोलकाता से इनका संबंध है। इसके अलावा सत्यजीत रे को फिल्म निर्माता के रूप में बहुत ही प्रसिद्धि मिली है। 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स ऑस्कर में मिला है। 1992 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अगला है जुबिन मेहता। जुबिन मेहता का संबंध क्या है, तो ये क्या है, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इसके अलावा अगला है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका असम से संबंधित है, गायक भी हैं, लेखक भी हैं और आपका फिल्म निर्माता भी हैं। अगला है श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र का संबंध आपका फिल्म निर्माता से है, संगीतकार हैं और महाराष्ट्र का संबंध है। आर ए रहमान की बात करेंगे तो ये आपका चेन्नई से संबंधित हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं और आपका संगीतकार हैं, ठीक है। इसके अलावा 2009 में इनको ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो के लिए सम्मानित किया गया था। 2009 में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए सम्मानित किया गया था। आपको मालूम होगा वो पहले भारतीय हैं जिन्हें कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है आपका तीजन बाई। तीजन बाई का संबंध क्या है, तो पंडवानी गायिका है। पंडवानी जो गायिका है, नृत्य शैली है या लोकगीत है, ये आपका कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। इसके अलावा तीजन बाई का जन्म आपका छत्तीसगढ़ में हुआ था। पंडवानी भारत महाभारत कथा को गाकर छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है। अगला है आपका गौरी देवी।
गौरी देवी का जो संबंध है वो क्या है, तो ये एक आपका गायिका है, इनका संबंध आपका राजस्थान से है, उदय शंकर ही इनका संबंध राजस्थान से ही है, और आपका एक क्या है नर्तक है। इसके अलावा डॉक्टर कपिला वाटसायन ये क्या है, तो ये एक आपके लेखक हैं। अगला है सितारा देवी, सितारा देवी का जो संबंध है आपका कथक नृत्य से है और उत्तर प्रदेश सॉरी कोलकाता से इनका ताल्लुकात है। 16 की उम्र में कथक करके देख रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें कथक क्यों नाम से कहा था सितारा देवी को। अगला है टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती की बात करेंगे, तंजोर बाला सरस्वती इनका संबंध आपका भरतनाट्यम नृत्य शास्त्रीय नृत्य से है। मृणाली साराभाई इनका संबंध आपका केरला से है, नृतंगना है, भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी सॉरी कथकली ठीक है, भरतनाट्यम के साथ साथ कथकली भी नृत्य करती है। यह आपका 14 जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। पद्मा सुब्रमण्यम की बात करेंगे, इनका भी संबंध भरतनाट्यम से ही है। स्नेहा चक्रधर की बात करेंगे, तो इनका भी संबंध आपका भरतनाट्यम से है। अशोक चक्रधर की बात करेंगे, तो ये कवि हैं जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं। इसके अलावा नंदलाल बोस की बात करेंगे, तो ये क्या है चित्रकार हैं, इनका संबंध है बिहार से। इसके अलावा जो संविधान की मूल प्रति का जो डिजाइन है नंदलाल बोस के द्वारा ही किया गया था। दांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग आदि इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। नेक्स्ट है आपका चित्रा विश्वशरण, इनका संबंध आपका भरतनाट्यम से है, भरतनाट्यम से ही संबंध आपका मालिका सरुकाई का है। सरोजा वेदनाथन का भी संबंध भरतनाट्यम से ही है, कृष्णा अय्यर का भी संबंध आपका भरतनाट्यम से ही है, और लीला सैमसन का संबंध भी आपका भरतनाट्यम से ही है। इस ठीक है, तो ये सभी जो आपके इंपॉर्टेंट जो प्रमुख कलाकार थे हमने आपको बता दिया। बाकी आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसी प्रकार से टॉपिक्स वाइज आपको एनालिसिस पाने के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।